सॉरी पास्टर जी, सॉरी। माँ क्या बनाए खाने में, मुझे भूख लग रहा है, मुझे बाहर जाना है। मैं अभी कुछ नहीं बनाई हूँ, घर का साफ सफाई में लगी हूँ, पास्टर जी को बुलाई हूँ। क्या पास्टर पास्टर करती रहती, मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? ऐसे मत बोल, तेरा तो काम करने में मदद करती नहीं है और जबरदस्ती है बोल रही है कि नाश्ता वास्ता चाहिए और कुछ बनाई नहीं है बोलते। अच्छा तो तेरे सारे घर का काम मैं अकेले करूँ, तुम क्या करोगे घर पे रहकर? ऐसा नहीं होता, सब कोई मिल के काम करना पड़ता है तभी वो काम होता है, जल्दी नाश्ता भी बनता है, जितना भूख लग रहा बोल रही ना अभी तक खा भी लेती थी। तू और तेरा काम, परेशान हो गई हूँ मैं इस चीज से, जा रही हूँ मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगी। आ गया इसका पास्टर। घर में कोई है? कौन? हाँ बहन। जय मसीह की। हाँ बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ आपने बुलाया था ना? हाँ। कि बेटी का शादी होने वाला है। हाँ। उसके लिए प्रार्थना भी करना है। प्रार्थना कर देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाँ। चलिए हम आँख बंद करते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ज्योति खुदावन पिता परमेश्वर, जबकि हम यहाँ आए हैं पिता और बहन की बेटी का शादी होने वाला है पिता, और उसको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उसे जो भी परेशानी होगा या जो भी समस्या होगा पिता, वो सारे समस्या दूर होने पाए, सारे काम सफल होने पाए। विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ ठीक है बहन, ऐसे ही आप प्रार्थना करते रहिएगा और आपकी बेटी का रक्षा भी होगा और परमेश्वर जल्द से सारे कामों को सफल करेगा। अरे क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो? अरे कुछ नहीं यार, माँ से थोड़ा बहस हो गया था। छोड़ो तुम बताओ कैसे। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये मैं बोल रहा था, मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। हाँ मैं भी तो सोच रही थी शादी के विषय में, तो बहुत जल्द कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो और जब भी मैं आपको शादी के बारे में बोलता हूँ आप हिचकिचा जाते हो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सोच रही थी। अरे बेटा तुम अंबिका दीदी के बेटी हो ना? हाँ तो उससे आपको क्या करना है? नहीं बेटा वो कुछ नहीं, मम्मी अभी ना आज बुलाई थी आपको आपके शादी का बात करने के लिए। शादी की? और क्योंकि अभी क्या शादी होने वाला है ना, तो प्रार्थना करने के लिए बुलाई थी, तो इसीलिए। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। क्या सर दर्द है? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही है? हाँ अभी वो पास्टर बोले ना। देखो मुझे भी अभी पता चला इस सब्जेक्ट के बारे में, मुझे नहीं पता था। कैसे नहीं, मुझे पता था तुम कभी ना कभी मुझे धोखा दोगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यार। अब तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। अरे यार मैं तुम्हें क्या, रुको तो सही, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। क्या करूँ यार अब मैं, ये पास्टर तो सब बिगाड़ के रख दिया मेरा, इससे तो बदला लेना ही पड़ेगा। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी इसने, मेरा ब्रेकअप करवा दिया इसने, इसको तो बताती हूँ। पास्टर साहब कल होली है, कल आना हमारा घर, हम रंग खेलते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो हम चाहते कि आप जरूर आए हमारा घर। अच्छा जी जी, देखो बहन ठीक है, ये तो आप लोगों का तीज त्यौहार आते रहता है, लेकिन मैं इस बात यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे में तो परमेश्वर ने हमें कोई भी तीज त्यौहार रीति रिवाज मनाने के लिए मना किया है, और मनुष्य के बनाए हुए जितने भी तीज त्यौहार रीति रिवाज है इसको हम नहीं मनाते हैं, है ना।
तो थोड़ा सा क्या है, मेरा मुश्किल है कल आ पाना, इसलिए मैं नहीं तो ठीक है ना, रंग उंग मत खेलना, रंग उंग नहीं लगाएंगे, मिठाई का डब्बा देंगे और वही बधाई तो जरूर आना आप। ठीक है मैं कल आऊंगा, लेकिन देखिए मैं तो रंग वंग नहीं लगाता हूँ और हमारे बाइबल में भी नहीं लिखा है रंग वंग लगाने के लिए, तो मैं रंग नहीं लगाऊंगा, बस मैं मिलूंगा आपसे। जी जी हम रंग नहीं लगाएंगे, आप बता दियो, ध्यान रखेंगे, लेकिन मिठाई उठाई जो रहता है वो हम लोग मतलब वही होली के समय खिलाते हैं मिठाई। अच्छा हाँ, तो आप जरूर आना हमारा घर, मिठाई का डब्बा तो खा सकते हो ना। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ, लेकिन आना। जी 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 ठीक है। इसी पास्टर ने मेरा ब्रेकअप करवाया था ना, कल बताती हूँ उसे, रंग नहीं खेलता ना, कल मैं चुपके से इसके ऊपर रंग डाल दूंगी, बोल दूंगी सॉरी मुझे तो नहीं पता था, आने दो कल इसको, कल बताती हूँ उसे। अरे आज तो होली का दिन है, कोई कलर ना लगा दे, रंग ना लगा दे, जल्दी से मैं जाता हूँ, मिल के आ जाऊंगा, होंगे कि नहीं घर में एक बार देख लेता हूँ, आज तो सभी लोग होंगे। हाँ आ रहे आ रहे, आने दो उसको। होली है, अरे क्या कर दी लड़की, पास्टर लोग रंग नहीं लगाते हैं। सॉरी पास्टर जी, सॉरी मैं लड़की से गलती हो गई। बात नहीं, तो लड़की से गलती हो गया होगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी 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 कोई बात नहीं, चलिए ठीक है हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। सॉरी पास्टर सर मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, अब नहीं पता था तो क्या कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। अब आया मजा, कैसा लगा, हो गया मेरा बदला पूरा, यस यस अब आया मजा मुझे। अरे ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो मैं रवि का दोस्त बोल रहा था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड का दोस्त बोल रहा था। हाँ बोलिए। अच्छा अरे वो ना होली के दिन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो बहुत नशे में था वो। हाँ। और वो ना क्या किया, एक जन से लड़ाई करने लग गया, अब लड़ाई किया तो अब इतने ज्यादा लड़ाई आगे बढ़ गया कि ना वो उसका मर्डर कर दिया, और पुलिस उसको नहीं किया है, और अब वो उसको उम्र कैद की सजा होगा, है ना, इसलिए मैं कॉल करके तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? जी जी थैंक यू। हे भगवान, अच्छा हुआ मैं उसके साथ शादी नहीं की, मैं तो फंस जाती, बर्बाद हो जाती मैं। ओह गॉड थैंक यू, अच्छा हुआ पास्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मैं तो फंस जाती उसके साथ। हे भगवान, लेकिन मैंने उनके साथ कितना बुरा किया, वो रंग नहीं खेलते फिर भी मैंने उनके ऊपर रंग डाल दिया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। एक काम करती हूँ, कॉल लगाती हूँ उनको, घर बुलाती हूँ। हेलो 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 पास्टर सर, मैं प्रियंका बोल रही थी। अच्छा हाँ बेटा बोलो बोलो। मुझे आपसे बात करनी थी सर, आप घर आ पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल मैं आ जाता हूँ। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है ओके। बेटा तू कल जो की ना पास्टर साहब के ऊपर कलर डाल के ठीक नहीं की है, उन लोग कलर उलर नहीं लगाते हैं, ये बुरी बात है, दोबारा कभी ऐसे नहीं करना, जब पास्टर साहब कभी आना जाना करे हमारा घर पर, हमारा भलाई के लिए हम उनको बुलाते हैं। हाँ माँ तू सही बोल रही है, मुझे भी अभी एहसास हुआ कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, वो हमारा भला ही चाहते थे, मैंने उनको कॉल करके बुलाया है कि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, आते ही होंगे तो आएंगे बोले। हाँ उन्होंने कहा है मैं आ रहा हूँ। आने दे सॉरी बोलना, उनसे माफ़ी मांगना, ठीक। हाँ अरे आ गया पास्टर जी। अच्छा
आइए साहब। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की साहब। तो बोलिए क्या बोलना था? ये बेटी ने आपको बुलाया थे, कुछ बात था बोल रहे थे, और मैं भी इनको वो समझा रही थी उस दिन जो कलर उलर डाले हैं वो सब ठीक नहीं है, पास्टर लोग नहीं लगाते उसके लिए, तो मैं माफ कर चुका था। हाँ साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, उस दिन मैंने जो आपके साथ किया मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन आपने तो हमेशा मेरा भला ही किया है किसी न किसी तरीके से। अगर आप उस दिन नहीं आते जिस दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, आप मुझे नहीं रोकते नहीं बोलते, तो शायद हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ होता। अच्छा हुआ कि उस दिन हमारा ब्रेकअप हो गया, नहीं तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। माफ़ कर दो पास्टर जी। जी जी बिल्कुल। देखो बहन, मैं तो आपकी बेटी को माफ़ी कर दिया था उसी दिन, लेकिन मैं ये आप तो आप खुद बोले थे ना कि आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना, उसका शादी होने वाला, तो जब मैं उसके लिए प्रार्थना किया तो ये परमेश्वर जो है उसके जीवन में चमत्कार किया, कार्य किया और उसको बचाया ऐसे आने वाले परेशानी से, हादसों से। तो मैं तो ये बात परमेश्वर को ही दूंगा, परमेश्वर ही बचाया है इनको, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आपकी बेटी आज सुरक्षित है, मेरे ऊपर रंग गिरा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक जस्ट एक्सीडेंट था छोटा सा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, आपको आशीष दे। ठीक है बहन, तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूँ। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।